Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Abhi Rajput. So in this video we'll be discussing about the NCERT question. हमने NCERT question जो exercise के questions थे उसका जो part one है वो हमने already cover कर लिया. उसमें हमने 5 questions cover किए थे and इसमें हम जो remaining 5 questions है वो हम इस part two में cover करेंगे, right? इसके अलावा मैंने examples and in-text question के videos बनाकर भी upload कर दिए हैं, so you can watch it. So starting from the question number 6, we have in figure 8.11 shows the distance time graph of three object A, B, C. मतलब ये जो हमें figure दे रखा है, this figure, distance time graph का figure है. ध्यान रखना, distance is in kilometer and time is in hour. ठीक है, तो kilometer per hour में हमारी speed आएगी. ठीक है, so तीन object चल रहे हैं A, B, C. This is our object A. ठीक है, मैं ये लाइन बना देती हूँ अलग अलग. ये जो रेड से हमारा ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए. एंड ये जो ब्लू से ऑब्जेक्ट हमारा यहां से आ रहा है, ये हमारा आ रहा है बी. ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट बी. एंड लास्ट ऑब्जेक्ट को हम ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमारा है, दिस इज ऑब्जेक्ट सी. ठीक है, सो वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट ए बी सी एंड दे आर ट्रेवलिंग. अब ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नंबर बी है, ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया, ये ओरिजिन से शुरू कर रहा है. ठीक है, इसने ओरिजिन से शुरू किया है. एंड बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है हमारे सी एंड ए, दे हैवन स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन. जब हमने उनका मोशन देखा तो उन्होंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर ली थी. ठीक है, राइट. सो ये ध्यान में रखना है आपको कि बी इज द ओनली वन जिसने ओरिजिन से शुरू किया है, राइट. अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट. मतलब ये पूछ रहे हैं कि भाई ए बी और सी हमारे जो ऑब्जेक्ट इन तीनों में से सबसे ज्यादा फास्ट कौन ट्रेवल कर रहा है. तो फास्टेस्ट का मतलब क्या है, ये हमसे स्पीड पूछ रहे हैं. स्पीड इज द रिप्रेजेंटेशन. स्पीड क्या बताती है कि हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, यही तो होता है ना स्पीड का डेफिनेशन. हाउ फास्ट बॉडी इज मूविंग, दैट इज स्पीड. तो इसमें से जिनकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी वही सबसे फास्टेस्ट मूव कर रही होगी. ठीक है, राइट. तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आपको फॉर्मुला लगा के कैलकुलेट नहीं करना, थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपना दिमाग यूज करना है. इसमें देखो, ग्राफ ध्यान से देखो. हमें पता है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये ग्राफ किसके बीच में बन रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो हमको क्या देता है, वो हमको स्पीड देता है. ठीक है, बताया था मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, स्पीड. स्लोप क्या होता है, ये होता है स्लोप. दिस लाइन इज ना, ये जो मैंने डिफरेंट कलर से लाइन बनाई है, ये स्लोप होता है. दिस थिंग, ये होता है हमारा स्लोप. हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा तेज मूव कर रहा है. अगर आप इसमें देखो, जो आपका ऑब्जेक्ट नंबर बी है, ये जिसने ओरिजिन से शुरू किया, ऑब्जेक्ट नंबर बी जिसने ओरिजिन से शुरू किया है, ये है ना, यहाँ से ओरिजिन से शुरू किया इसने. इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन एंड इसने जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, टाइम इज अप्रोक्स कितना लिया है, 1.2. या हम बोले कि बाकी ऑब्जेक्ट से कम टाइम लिया. सी का अगर आप टाइम देखो तो वो यहाँ पे आ रहा है, ए का अगर टाइम आप देखो तो वो यहाँ पर आ रहा है. तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, टाइम सबसे कम लिया है एंड इसने शुरू भी कहां से किया था, ओरिजिन से किया था. ठीक है, सो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, इस तरीके से फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के. ठीक है, स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब अगर हमारी स्पीड ज्यादा है तो मतलब वहां पे टाइम कम लगेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. तो इनका रिलेशन यूज करके आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो कि बी ऑब्जेक्ट है उसको सबसे कम टाइम लग रहा है. ठीक है, सी को ज्यादा लग रहा है एंड ए को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है टू कवर दी व्हाट, डिस्टेंस. ठीक है, सो सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है, जैसे मान लो स्पीड बढ़ रही है तो टाइम है वो कम होगा. ठीक है, या वाइस वर्सा. समझ में आया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में एग्जिस्ट करता है. इसमें एक चीज बढ़ती है तो एक चीज घटती है. तो सिंपली है, ए जो बी ऑब्जेक्ट हमारा है उसमें क्या है, टाइम सबसे कम लग रहा है. तो सबसे टाइम कम लगेगा तो स्पीड इसकी सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, सी उसके बाद है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हमारा ए है. तो सबसे फास्टेस्ट कौन ट्रेवल कर रहा है, बी, फिर सी, और फिर कौन ट्रेवल कर रहा है, फिर ए ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, और दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हो, इस केस में जो बी है उसने ओरिजिन से शुरू किया है. ठीक है, उसने ओरिजिन से शुरू किया है एंड सबसे कम टाइम लगा है. और जो हमारा सी पॉइंट है उसने थोड़ा बाद में शुरू किया है. ठीक है, मतलब ओरिजिन से शुरू नहीं किया, जब हमने उसका मोशन देखा तो क्या था, वो ओरिजिन पे नहीं था. ठीक है, एंड उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है. एंड जो ए है हमारा, ठीक है, उसको क्या है, सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है. मतलब सबसे फास्ट कौन मूव कर रहा है, बी, फिर उसके बाद
सी और सबसे स्लो कौन मूव कर रहा है, ए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करना, किस तरीके से क्वेश्चन का जो आंसर है वो पता करना है, राइट। सो क्वेश्चन जो हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द थ्री आर ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, तो कौन ट्रेवल करेगा फास्टेस्ट, सबसे पहले बी ट्रेवल करेगा। कैसे निकाला आपने, आपने रिलेशन से निकाला है, वी नो दैट स्पीड इज, इस तरीके से आप लिख सकते हो, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो स्पीड का रिलेशन कैसा हो जाएगा टाइम के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है, एंड इस हिसाब से क्या होगा, बी सबसे फास्ट ट्रेवल कर रहा है, फिर कौन सा ट्रेवल कर रहा है, सी, फिर ए, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, विच इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, दैट इज बी। नाउ द सेकेंड पार्ट इज आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, मतलब क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो तीनों बॉडीज हैं ए बी सी, ये तीनों को, तीनों की तीनों कभी मिल पाए, एक पॉइंट पे कोइंसाइड करें, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। देखो इस तरीके से, ये क्या ए वाला पॉइंट है वो ऐसे निकल जाएगा, सी वाला पॉइंट है वो ऐसे निकलेगा, और बी वाला पॉइंट है वो ऐसे निकल जाएगा, तो कभी ऐसा नहीं, दूर ही होते जाएंगे इवन एक दूसरे से, है ना। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहां पे ये तीनों के तीनों मिल पाए, कोइंसाइड का मतलब है कि तीनों के तीनों जो बॉडीज चल रही है वो एक पॉइंट पे मिल पाए, उनका पॉइंट है वो कोइंसाइड कर जाए, मतलब मिल जाए एक पॉइंट पे, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर जो हमारा बी है, पार्ट बी है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ऑल दी थ्री बॉडीज कैन नेवर कोइंसाइड ऑन द सेम पॉइंट या कैन नेवर मीट, ओके। सो द पार्ट नंबर सी फॉर द क्वेश्चन नंबर सिक्स वी हैव, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन द बी पासिस ए, मतलब जब बी ने, हमारी बॉडी बी है ये एंड ए इज दिस वन, सो व्हेन द बी पासिस ए, मतलब बी ने जब ए को क्रॉस किया तो कौन से पॉइंट पे क्रॉस किया, इस वाले पॉइंट पे क्रॉस किया, जो डी पॉइंट आपको दिख रहा है इस पॉइंट में बी ने ए को क्रॉस किया है, एंड दे आर आस्किंग कि सी ने तब कितना ट्रेवल कर लिया था। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, एंड ये हमारी सी रिप्रेजेंटेशन था, ये सी बॉडी चल रही है, ठीक है। सो इसने कितना कवर कर लिया उस टाइम, ये वाली जो एक्सेस है हमारी, यहाँ पे मेजर करेंगे एंड इट इज हाउ मच, इट इज 6.5 कवर कर लिया, ठीक है। सो 6.5 किलोमीटर है जो सी ने ट्रेवल कर लिया व्हेन बी पासिस द ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर डी वी हैव इज हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस द सी, मतलब ये है कि जब बी ने सी को क्रॉस किया, अब ध्यान से देखना, बी बॉडी आपकी ये है, सी ये है, ठीक है। सो बी ने सी को जब क्रॉस किया, तो ये वाला पॉइंट हमारा जो एफ पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, बी ने सी को क्रॉस किया, तो दे आर आस्किंग कि बी ने तब कितना ट्रेवल कर लिया था, तो उस टाइम बी ने कितना ट्रेवल किया था, दैट इज 5, ठीक है, दैट इज हाउ मच, 5 किलोमीटर बी हैज ट्रेवल्ड, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जैसे मैंने तीन इक्वेशंस आपको बताई थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ठीक है, एंड एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। कैसे बनी थी इक्वेशन, जैसे हमारे पास थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, एंड लास्ट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो हमारा क्या होता है, जब हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा होता है तब हम यूज करते हैं, एंड व्हेन वर्टिकल मोशन हो रहा होता है तब हम कौन सी यूज करते हैं, ये वाली, ठीक है, मतलब बॉडी है वो वर्टिकली मूव कर रही है इस तरीके से, तब हम ये यूज करेंगे, एंड जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तब हम ये यूज करते हैं, ठीक है। फर्क क्या है इसमें, हम S की जगह H यूज करते हैं एंड हम A की जगह G यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जहां जहां S होगा हॉरिजॉन्टल मोशन में, इन वर्टिकल मोशन वहां पे हम H यूज कर लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में हम डिस्टेंस बात करते हैं, तो डिस्टेंस इस तरीके से हो गई, एंड वही उसका रिप्लेसमेंट किया जाता है, हाइट हो जाता है, ठीक है। एंड इन हॉरिजॉन्टल हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एंड फॉर वर्टिकल मोशन वी हैव व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। तो ध्यान रखना, कभी भी वर्टिकल मोशन हो तो हमें ये क्वेश्चंस यूज करनी होती, कन्वर्जन कैसे हुआ वो भी ध्यान रखना आपको। ऑल राइट, वन मोर थिंग टू रिमेम्बर, आपका कंसेप्ट इजी कर देगा। देखो, जब भी कभी वर्टिकल मोशन हो तो एक ये जो हमारा टॉप वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला जो पॉइंट, इसकी आप वेलोसिटी हमेशा जीरो ले लो, वेलोसिटी हमेशा जीरो ले लो। कैसे लेनी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो बॉडी नीचे से ऊपर मूव कर रही है इस तरीके से, अगर बॉडी नीचे से ऊपर मूव कर रही है इस तरीके से, तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा,
ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या होगी, अगर नीचे से ऊपर मूव कर रही है तो नीचे वाली वेलोसिटी इनिशियल हो जाएगी एंड ऊपर वाली वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर बॉडी नीचे से ऊपर मूव कर रही तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। अब वही बॉडी ऊपर से नीचे मूव कर रही है, ठीक है। अब ध्यान देना, थोड़ा शब्दों पे ध्यान देना, बॉडी अब क्या कर रही है, ऊपर से नीचे मूव कर रही है, तो ये इसकी इनिशियल बन जाएगी वेलोसिटी और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि अलोंग द ग्रेविटी काम हो रहा है एंड यू जीरो हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, इस पॉइंट की वेलोसिटी आपको हमेशा जीरो लेनी है। अब वो डिपेंड करता है कि बॉडी मूव कैसे कर रही है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन कि कहाँ पे क्या होता है। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में इजी रहेंगे, ठीक है। आगे हमारा जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है, वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अपना। बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ, ड्रॉप मतलब ऊपर से फेंकी गई, मान लो यहाँ पे बॉल थी एंड उसको ऊपर से नीचे फेंका गया, ठीक है। सो जी इस केस में आपको पॉजिटिव लेना है, ऑल राइट। और हाइट कितनी हमको गिवन है, हाइट इज गिवन एज 20 मीटर्स। हाइट इज गिवन एज हाउ मच, 20 मीटर्स। जो हाइट है दिस इज 20 मीटर्स। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे गलती क्या करेंगे, देखो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नॉट द वेलोसिटी, इट इज एक्सेलरेशन, बिकॉज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज वॉट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो डोंट टेक इट as in velocity. ये velocity नहीं, आपका acceleration given है, ठीक है। तो g आपका क्या, acceleration due to gravity, जो कि positive हम लेंगे, and उसकी value हमें कितनी given है, 10 meter per second square, ठीक है। In vertical motion, जो आपकी acceleration due to gravity, g की value होती है, वो fixed होती है, या तो 10 लेते हैं या 9.8 लेते हैं, ऑल राइट। फिर क्या पूछा जा रहा, विद वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, यही पूछा जा रहा है हमसे कि भाई फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। और सिंस ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में क्या है, जीरो है। एंड टाइम भी पूछा गया, टाइम एंड वेलोसिटी दो चीजें पूछी गई। तो एक बार हम अच्छे से नोट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा यू है वो जीरो गिवन है, जी पॉजिटिव गिवन है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हमें जो हाइट दे रखी है वो है 20 मीटर्स, एंड हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमसे पूछा गया, एंड टाइम हमसे वो भी पूछा गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तीन इक्वेशन हमारे पास, एक एक करके यूज करेंगे, एंड जो टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो पहली इक्वेशन देखते हैं, तो हमें v गिवन है, सो फर्स्ट इक्वेशन में v इज नॉट गिवन, ठीक है, v हमें निकालना है, तो ये परफेक्ट बैटरी है, देख लेते हैं बाकी चीजें हमारे पास की नहीं। u हमें गिवन है जीरो, g हमें गिवन है, एंड t हमें नहीं गिवन है, तो हम इस इक्वेशन को नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसमें दो अननोन वैल्यू, तो t है एक v है। तो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, दैट इज एच, एच हमको गिवन है, यू गिवन है, ठीक है, टी गिवन नहीं है, अगेन टी हमें निकालना है। सेकेंड इज हाफ, जी इज गिवन टू अस एंड टी, तो ये वाली इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें टी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, तो हम इसको यूज करेंगे। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच इज हाउ मच, 20, यू इज जीरो, ठीक है, एंड टी इज हाउ मच, टी हमें निकालना है, प्लस हाफ, जी इज हाउ मच, प्लस का 10 इंटू टी स्क्वायर। जब भी ये वैल्यू रखो ना, टी स्क्वायर हमेशा याद रखा करो, स्क्वायर है इसमें, तो ये जगह 20, 0 इंटू टी इज 0, प्लस इसको हम काट देंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 टी स्क्वायर, तो 0 प्लस 5 टी स्क्वायर इज 5 टी स्क्वायर, तो इट विल बी 20 इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर, राइट। एंड ये 5 है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 20 by 5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, राइट, ये कट जाएगा इससे, तो 4 आ जाएगा, सो 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, एंड व्हेन वी रिमूव दिस स्क्वायर, व्हेन वी रिमूव दिस स्क्वायर, तो इस साइड क्या आता है, रूट आ जाता है, सो इट विल बी टी इज इक्वल्स टू √4, ठीक है। एंड 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 × 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आई विल राइट इट हियर, टी विल बी √2 × 2, ठीक है। अब सिंस इनका इनका पेयर बन गया, तो इसमें से एक 2 है वो बाहर आ जाएगा, तो टी विल बी हाउ मच, 2 सेकेंड्स। तो हमने टाइम की वैल्यू है जो निकाल ली है, 2 सेकेंड्स। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है जो, वो निकालेंगे, ठीक है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो हम वही यूज कर लेंगे, ईजी पड़ जाएगा हमारे लिए। सो नाउ विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ वी, तो हम पहली इक्वेशन लगा देते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी हमें कैलकुलेट करना है, यू हमें 0 गिवन है, प्लस जी इज 10 एंड टी इज 2,
तो आंसर विल बी 0 प्लस 20। तो 0 से 20 को प्लस करेंगे तो इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हो आंसर ऑफ बी, तीनों में सेम ही आएगा। ठीक है, I mean, दो इक्वेशन बची, एक तो हमने यूज कर ली थी टाइम कैलकुलेट करने के लिए, तो दोनों इक्वेशन जो लास्ट दो इक्वेशन बची हैं आप उनका यूज करके वी की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो एंड वैल्यू विल बी सेम। सो हमारा टाइम कितना आ गया था, 2 सेकेंड आ गया था जो हमसे पूछा गया था टाइम कितना लेगा, एंड उन्होंने पूछा था वेलोसिटी कितनी होगी फाइनल वेलोसिटी, तो दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन द फिगर 8.12। दिस इज फिगर 8.12 एंड हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग, द ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग स्पीड एंड टाइम। मतलब आपका जो वाई एक्सिस पर है वो क्या है, आपका स्पीड है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, स्पीड है, एंड एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम। एंड स्पीड वर्सेज टाइम ग्राफ मैंने बताया था आपको एक्सेलरेशन के बीच में बनता है। ठीक है, सो किसके बीच में बन रहा है, एक्सेलरेशन के बीच में। मतलब स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। सो ये एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ऑलराइट, सो व्हाट दे आर आस्किंग, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल्स इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, दे आर आस्किंग द डिस्टेंस। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि कार ने कितना ट्रेवल कर लिया था पहले 4 सेकेंड में। तो हमें पता है हमारा जो एक्स एक्सिस है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम, राइट। सो कार ने पहले, हम 4 सेकेंड मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया 4 सेकेंड, ये पॉइंट यहां तक 4 सेकेंड वाला पॉइंट है, हमें डिस्टेंस बतानी है। ओके, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। वी नो दैट एरिया, ये मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एरिया अंडर जो वी टी ग्राफ होता है, वी टी मतलब स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। सो एरिया अंडर वी टी ग्राफ, वी टी मीन्स स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट गिव्स अस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया कि हाउ फार द कार हैज ट्रेवल, तो डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, हमें पता है डिस्टेंस कैसे मिलेगी हमें, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 4 सेकेंड तक निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है इसको भी हम इसमें ज्वाइन कर देंगे एंड विल शेड दिस एरिया। ठीक, अभी हमें ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो एरिया हमने शेड कर लिया। ठीक है, इन्होंने पूछा था शेड कर दो एरिया जितना उसने ट्रैवल किया। अब हमें बताना है कितना ट्रैवल किया, तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। सो ये एरिया किसका हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ये शेप ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इसका बेस कितना है, बेस टाइम का रिप्रेजेंटेशन है, तो टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो 4 लिख लेंगे। एंड हाइट ये कितना चला यहां से यहां तक, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 पॉइंट है। ओके, इसको इस तरीके से ही तो हम करते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो आप लाइन ज्वाइन कर लेते हो डॉट डॉट करके। सो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, सो ये कट जाएगा एंड इट विल बी 12। सो डिस्टेंस कितना चला, ठीक है, कितनी कितना डिस्टेंस वो बॉडी चली, दैट इज 12 मीटर, राइट। एंड हमने एरिया को शेड भी कर लिया। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अगर ये नहीं पता है कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सो यू जस्ट कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। ये 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। मींस दे आर आस्किंग विच पार्ट इज शोइंग द यूनिफॉर्म मोशन। एंड यूनिफॉर्म मोशन की आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो कवर कर रही है। सो कहां से कवर करेगी वो, 6th, जब टाइम 6 सेकेंड होगा। ठीक है, यहां से ध्यान से देखना, जब टाइम 6 सेकेंड होगा तब हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, राइट। ये स्ट्रेट लाइन में चलने लगी है, ठीक है, यहाँ पे, राइट। तो क्या हो रहा है इसकी, ना तो स्पीड चेंज हो रही, स्पीड कॉन्स्टेंट रह रही है, एंड टाइम तो बढ़ेगा ही, टाइम तो हमेशा बढ़ता रहता है, राइट। एंड टाइम इंटरवल अगर हम देखें तो वो भी क्या है, एक इक्वल इंटरवल में चेंज हो रहा है। इसमें यहाँ पे गैप 2 सेकेंड का आ रहा है, एंड यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 2 सेकेंड का गैप आ रहा है। सो यही यूनिफॉर्म मोशन होता है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो स्पीड यहाँ पे एक ही है, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम डिफरेंस भी सेम आ रहा है। ठीक है, इंटरवल, टाइम इंटरवल इज ऑल्सो सेम। सो कहां से ट्रेवल करेगी, विच पार्ट रिप्रेजेंट आफ्टर, हम बोल सकते हैं आफ्टर 6 सेकेंड्स, आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड्स के बाद वो क्या करने लगेगी, यूनिफॉर्म मोशन करने लगेगी बॉडी। ठीक है, उस टाइम उसकी स्पीड कितनी रहेगी, द स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब सेम, सेम मतलब एक ही रहेगी वैल्यू, वो चेंज नहीं होगी, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, एंड टाइम जो है वो क्या चेंज हो रहा है, वो इक्वल इंटरवल में चेंज हो रहा है, ठीक है. सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस. मतलब हमें तीन सिचुएशंस दे रखी हैं, ए बी यहाँ पे मेंशन है, सी नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन है, तो हमें बतानी क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, एंड अगर पॉसिबल है तो क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर ए इज एन ऑब्जेक्ट विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एंड जीरो वेलोसिटी. देर आस्किंग कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन है वो कॉन्स्टेंट है. कॉन्स्टेंट मतलब सेम है, ठीक है. मतलब मान लो अगर मैं बोल रही 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो वो थ्रू आउट दी जर्नी यही रहेगा. उसकी वैल्यू 5 से बढ़ के 6 नहीं होगी, ना 5 से घट करके 4 होगी, ठीक है. सो दे आर सेइंग कि एक ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी जीरो हो, ठीक है. तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो इसमें लिखा है यस इट इज पॉसिबल. कैसे पॉसिबल है, ध्यान रखना एक ही एग्जाम्पल है इसका. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट, मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट उसको हमने एक हाइट पे रखा था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान लो, इस हाइट से हमने क्या किया, इसको ड्रॉप कर दिया. सो आई टोल्ड यू कि जब भी ऐसे कभी क्वेश्चन होते तो ये जो टॉप वाली वेलोसिटी होती है वो हमेशा जीरो होती है, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी हमेशा जीरो ले ली जाती है, राइट. सो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम एक हाइट से रिलीज करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहेगा, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इसको बोलते हैं. तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहेगा बट उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो जीरो रहेगी. इनिशियल मतलब जब वो रिलीज किया होगा तो उसकी जो ये वाली स्पीड है, ये वाले पॉइंट की स्पीड, वो जीरो है. सो याद रखना है आपको ये कब पॉसिबल है, ये वर्टिकल मोशन में पॉसिबल है. कब पॉसिबल है, ये वर्टिकल मोशन में, ठीक है. एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट बट द वेलोसिटी इज जीरो, इंपॉर्टेंट है. एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एक्सेलरेशन तो है ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है, बट वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है. तो ये मैंने आपको जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो सेम रहती है, ठीक है. यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि भाई स्पीड है वो सेम रहे, ठीक है. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड विल बी सेम थ्रू आउट दी जर्नी, ठीक है. लेकिन एक चीज और याद रखना, चलो मैं बता देती हूँ, वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट. velocity changes at every point, हर पॉइंट पे velocity चेंज करेगी. क्यों? क्योंकि velocity एक vector quantity होती है and that deals with direction, ठीक है. और मैंने बताया था circle में कई सारे tangents होते हैं, ठीक है, इस तरीके से. सो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर बार अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, वो बचपन में हम गेम खेलते थे, एक थ्रेड को स्टोन से बांध लेते थे और फिर उसको घुमाते थे, ठीक है. सो मान लो थ्रेड यहाँ से अगर डीअटैच हो गया, टूट गया, तो इस डायरेक्शन में ही तो मूव कर जाएगा ना, ठीक है. अब मान लो यहाँ से डीअटैच हुआ तो इस डायरेक्शन में, तो हर बार क्या है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो अलग है, लेकिन स्पीड है, सिंस स्केलर क्वांटिटी है, दैट डज नॉट डील्स विद द डायरेक्शन. सो स्पीड विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है. सो सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट यूनिफॉर्म स्पीड. इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन इट्स वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे ऐसा देखने को मिल सकता है कि ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन तो है लेकिन क्या है, उसका इसकी जो स्पीड है उसकी जो यूनिफॉर्म है, ठीक है. मतलब एक्सेलरेशन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन क्यों चेंज होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो सिंस जब वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन भी हर पॉइंट पे चेंज होगा, ठीक है. तो ध्यान रखना यहाँ पे लिखा क्या है, हो सकता है वो स्पीड की जगह वेलोसिटी लिख दे कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है. सो ये चीज ध्यान पे रख के आपको चलनी है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए. पार्ट नंबर सी, वी हैव एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. क्या मतलब है, ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है वो मूव तो इस डायरेक्शन में कर रहा है, मोशन की डायरेक्शन ये है, ठीक है, लेकिन उसके जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो जाए. तो ऐसा क्या वर्टिकल मोशन में पॉसिबल है, नहीं ना, हॉरिजॉन्टल मोशन में पॉसिबल, क्योंकि भाई जिस डायरेक्शन में मोशन करेगी बॉडी उसी डायरेक्शन में तो उसका एक्सेलरेशन होगा ना. जिस डायरेक्शन में मूव करेगी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज वी बाई टी. तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही एक्सेलरेशन की होगी, सिंपल, ठीक है. और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जनरेट होगी, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है. तो ऐसा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मोशन में तो नहीं पॉसिबल है, बट सर्कुलर मोशन में ऐसा पॉसिबल है, ठीक है. मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है, ठीक है.
तो ये जो डायरेक्शन मैं दिखा रही हूं ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्शन ऑफ मोशन का, है ना। जैसे मान लो एक पत्थर है, आपने उसको एक धागे से बांधा, ठीक है, एंड आप उसको मूव कराने लगे इनटू द सर्कल, ठीक है। और मान लो ये पॉइंट है जहां पे क्या है कि वो धागा टूट गया, पत्थर डीअटैच हो गया, धागा टूट गया, तो वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अब मान लो इस डायरेक्शन से अगर वो टूटता तो वो इधर से मूव करके निकल जाता बाहर, इधर से टूटता तो इधर से मूव करके बाहर निकल जाता, ठीक है, इधर से टूटता तो इधर से मूव करके बाहर निकल जाता, राइट। सो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, और हमने बोला था कि भाई वेलोसिटी है वो भी चेंज होगी, ठीक है, स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी, राइट। सो इसी केस में ऐसा पॉसिबल है, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसको टेंजेंट बोलते हैं। आप जब 10th क्लास में आओगे तो आपकी एक थ्योरम एंड दी मैथ्स कि टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, और थ्योरम थ्योरम होती है, ठीक है, उसको हमें मानना पड़ता है, उसका प्रूफ होता है। तो टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये थ्योरम दी है मैथ्स ने, ठीक है। सो टेंजेंट तो हमारी ये हो गई, और रेडियस क्या हो गया, ये, राइट, समझ में आया। सो टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड रेडियस यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, रेडियस यहाँ पे एज एन एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। so, जो पूछा गया था, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्या पॉसिबल है? यस, दिस टेंजेंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, एंड दिस रेडियस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, समझ में आ गया ना। सो यस, दिस इज पॉसिबल, याद रखना सर्कुलर मोशन के केस में ऐसा पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये सर्कुलर आ गया तो आपका ये सर्कुलर मोशन वाला जो टॉपिक था वहां से क्वेश्चन बना है, ठीक है। सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट है, इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो क्या बोल रहे हैं, रेडियस है वो हमें गिवेन है 42250 किलोमीटर, राइट। सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट मूव कर रही है ना सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, मान लो ये हमारी सैटेलाइट है, इधर पे ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, एंड उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हमें गिवन है 42250 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 42,250 किलोमीटर, राइट, रेडियस है ये इसका। कैलकुलेट इट्स स्पीड, हमें इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है कि ये किस स्पीड से मूव कर रही है सैटेलाइट। इफ इट्स टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मतलब अगर इसको कितना टाइम लग रहा है, 24 घंटे लग रहे हैं टू रिवॉल्व, मतलब एक दिन लग रहा है टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, एंड द ऑर्बिट ऑफ दैट सैटेलाइट इन विच इट इज रिवॉल्विंग इज 42,250, देन वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड ऑफ दिस सैटेलाइट, की किस स्पीड से रिवॉल्व कर रही है। तो इट्स सिंपल, क्या होता है स्पीड, अच्छा ध्यान रखना टाइम 24 आवर दे रखा है, दैट इज फॉर वन रेवोल्यूशन, मतलब अगर यहाँ पे सैटेलाइट है, ठीक है, तो वो 24 घंटे लेगी वापस इसी पोजिशन में आने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस कितना कवर करेगी, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, डिस्टेंस कितना कवर करेगी, बहुत ईजी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से शुरू किया इसने, यहाँ से शुरू किया, मूव कर रही है ऐसे, तो इसके सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग मूव कर रही है, ठीक है, जो हमारा सर्कल है इसके सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग मूव कर रही है, ठीक है, कैसे मूव कर रही है, इस तरीके से, है ना, सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग मूव करी किनारे किनारे, राइट। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 2πr, एंड टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 × π की वैल्यू होती है, दो वैल्यूज होती है पाई की, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14, तो आप अपने हिसाब से रख लेना, अगर कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो 7 से कट रही है, मतलब रेडियस की कुछ ऐसी वैल्यू आपको गिवन है जो 7 से कट रही है, तो 22/7 रख लो, लेकिन रेडियस की वैल्यू 7 से नहीं कट रही तो आप 3.14 रख लो, तो चॉइस इज योर्स, आप कौन सी वैल्यू रखना चाहते हो। सो इट्स 2 × π की वैल्यू मैं 3.14 ले रही हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी, 22/7 भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। एंड रेडियस इज हाउ मच, इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप सोच रहे हो कि इसको कन्वर्ट कर दें, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो टाइम है वो आर में आ रहा है, तो आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आर में आ जाएगी, ठीक है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। इट इज 3.14 इंटू रेडियस इज हाउ मच, ध्यान रखना कभी कभी क्या होता है रेडियस की जगह डायमीटर दे दिया जाता है, ठीक है, तो आप उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेना, सिंस रेडियस गिवन है हमको, तो कितना है 42250, मतलब 42,250 अपॉन टाइम इज हाउ मच 24, तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे पूरा का पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा कर लेते हैं सॉल्व, 12 times क्या, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, जो वी की वैल्यू आएगी, मतलब जो हमारी स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 11065.4, ध्यान रखना किलोमीटर पर आर में, ऑप्शन जब टिक करके आना तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर टिक करके आना कि किलोमीटर आर में स्पीड होनी चाहिए,
कंफ्यूजन के लिए वो मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है 110.65.4 मीटर पर सेकंड, और दूसरा ऑप्शन होगा 110.65.4 किलोमीटर पर आवर। तो ये मिस्टेक करके नहीं आनी है कि भाई जल्दी जल्दी में आंसर ये आ गया तो ये टिक कर दिया, नहीं ये वाला टिक करना है, ठीक है। इसकी यूनिट देख के रखो कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन में क्या चीजें गिवन है। ओके राइट, तो समझ आ गया होगा आई होप आपको। बाकी कैलकुलेशन है, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। सो आंसर इज दिस मच। ओके दिस मच फॉर टुडे, हमने सारे क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के कंप्लीट कर लिए, चाहे वो इंडेक्स क्वेश्चन हो, चाहे वो एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली इट्स नॉट लाइक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, सो इट्स थियरी आपको छोड़ के आनी है या क्वेश्चन आपको छोड़ के आने हैं, लेकिन आस्क इन एमसीक्यू फॉर्म ऑल्सो, सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व देम। ओके सारा कुछ मोशन का एनसीईआरटी से कंप्लीट हो रखा है, थियरी भी आपकी कंप्लीट है, प्लस इंटेक्स एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कंप्लीट है। सो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए अपनी तरफ से भी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।